हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन 1/1/19 मशीनरी वॉज परचेज बाय मिस्टर दास गुप्ता फॉर 80,000 रुपया। ऑन 1/7/20 एडिशन वेयर मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 14,000। ऑन 1/4/21 फर्दर एडिशन ऑफ 8,200 वेयर मेड। ऑन 30/6/2022 मशीनरी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच वॉज 12,000। ऑन 1/1/19 वॉज सोल्ड फॉर 10,000। डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। बच्चों मतलब कि 1/1/19 को एक मशीन खरीदा मिस्टर दास गुप्ता जिसका दाम था 80,000 रुपया। फिर 2020 में वो एक और मशीन खरीदा 14,000 रुपया का। फिर 21 में एक और मशीन खरीदा 8,200 रुपया का। तो बच्चों जून का महीना 30 तारीख 2022 में जो 19 में जो मशीन खरीदा था उसको वो बेच दिया 10,000 रुपया में। और 2022 में जो मशीन का ओरिजिनल वैल्यू था वो था 12,000 रुपया। तो बच्चों अब डिप्रिसिएशन निकालना है 10% और कौन सा मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो चलिए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/1/19 बाई बैंक अकाउंट परचेज कितना का बच्चों मशीन खरीदा है 80,000 रुपये का। और बच्चों 2019 में और कुछ तो हुआ नहीं है तो अब क्या लिखेंगे, 31/12/19 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बच्चों डेप्रिसिएशन कितना होगा, 80,000 का 10% बच्चों कितना होगा 8,000 रुपया। अब क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी होगा, बीडी तो उसके बाद होता है। तो कितना होगा, 80,000 - 8,000 72,000 टोटल करेंगे तो कितना लिखेंगे अमाउंट, 80,000 रुपया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/1/20 में लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी कितना होगा 72,000। अब बच्चों देखते हैं 2020 में कोई मशीन परचेस किया गया है क्या। हाँ एक मशीन परचेस किया गया है वो भी 1/7/2020 को। तो क्या लिखेंगे, 1/7/2020 बाई बैंक अकाउंट परचेज तो बच्चों कितना होगा यहाँ पे 14,000 रुपया। तो अब बच्चों डेप्रिसिएशन लिखना होगा तो उसके लिए पहले डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो बच्चों चलते हैं वर्किंग में और बताते हैं कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो बच्चों पहला मशीन का डेप्रिसिएशन क्या होगा, लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 80,000 रुपये वाला का डेप्रिसिएशन बच्चों अभी निकाल रहे हैं हम लोग वर्किंग में। तो अमाउंट है 80,000। अब लेस डिप्रिसिएशन करेंगे तो कितना आएगा 8,000, कितना आएगा टोटल 72,000 रुपीस। ये हो गया 2020 का। तो फिर लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन, फिर होगा 8,000, तो कितना होगा बच्चों 64,000। अब बच्चों कब तक करना है, 2021 का भी निकाल ही लेते हैं इसी साथ साथ। लेस डिप्रिसिएशन कितना होगा बच्चों 8,000, तो कितना आएगा 56,000। और बच्चों दूसरा मशीन का भी निकालना है तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड मशीन। तो बच्चों डेट इसका क्या होगा, 2020 हो, क्योंकि मशीन 2020 में खरीदा गया है। अमाउंट है 14,000 रुपया। क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन, तो बच्चों कितना होगा 14,000 का 10%। और बच्चों कब खरीदा है, जुलाई के महीने में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो क्या होगा 6/12। तो बच्चों कैसे निकलेगा, 14,000 × 10% कितना होगा बच्चों 1400। फिर कितना निकालना है, 6/12 कितना आएगा 700 रुपया। 700 लेस करेंगे तो बच्चों कितना होगा, -14,000 13,300। तो बच्चों चलिए बताते हैं इसको लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे।
बच्चों डिप्रिसिएशन में क्या आएगा, 8,700 बच्चों पे यहाँ पे दिखा दीजिए कैसे डिप्रिसिएशन निकाला है, तो 8,700 होगा। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी कितना आएगा बच्चों, 14,000 + 72,000 - 8,700 77,300 बच्चों टोटल कितना हुआ, 72,000 + 14,000 86,000। अब चलो बच्चों तीसरे साल का भी बनाना है, कम से कम चार साल का तो हम लोग को बनाना ही पड़ेगा, तो एक एक 21 लिखेंगे, टू बैलेंस बी डी 77,300। अब इसमें भी एक मशीन खरीदा गया है जिसका दाम है 8,200 भी कब खरीदा है अप्रैल के महीने में, तो 1/4/2021 टू बैंक अकाउंट परचेज कितना होगा, 8,200। अब यहाँ कितना होगा, 31/12/19 बाई डेप्रिसिएशन होगा, तो कितना होगा, 8,000 होगा, एक में होगा आपका 1,400। तो बच्चों डिप्रिसिएशन 2021 का निकालेंगे तो कितना होगा, 1,400 ही होगा, क्योंकि बच्चों इसमें कोई महीना वहीना का बात नहीं है, तो देखते हैं 13,300 - 1,400 रुपया कितना आएगा, 11,900। अब बच्चों 2022 का भी निकाल ही लेते क्योंकि एग्जाम से 2022 तक का है, तो लेस डिप्रिसिएशन कितना होगा बच्चों, तो 1,400 ही होगा क्योंकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड नहीं है, तो कितना आएगा बच्चों, -1,400 10,500 बच्चों आएगा। अब चलिए जो नया मशीन परचेस किया है उसका डिप्रिसिएशन भी निकाल ही लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड मशीन। तो बच्चों ये कब लिया है, 2021 में लिया। बच्चों 8,200 का क्या निकालेंगे, 10% और कितना महीना निकलेगा बच्चों, अप्रैल में खरीदा है, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो बच्चों निकलेगा 9 महीना का, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 8,200 × 10% और ऊपर से करना है × 9/12 कितना आएगा, 615 रुपया, तो 615 - 8,200 कितना आएगा, 7585। तो चलिए बच्चों बताते हैं कि इसको लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, तीसरा ईयर का बच्चों डिप्रिसिएशन कितना निकला, 615 रुपये, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8,000 + 1,400 + 615 कितना आया, 10,015। अब क्या लिखेंगे नीचे, बाई बैलेंस बाई बैलेंस सीडी कितना होगा बच्चों, प्लस 8,200 - 75485 बच्चों आएगा, 75485। अब बच्चों टोटल कितना था इसका, ऐड कर लेते हैं, 77,300 + 8,200 = 8,500 अब बच्चों लास्ट साल का डिप्रिसिएशन भी निकाल ही लेते हैं, तो क्या होगा, 1,122 - BD कितना आएगा, 75485। तो अब बच्चों इस साल तो कोई नया मशीन वो खरीदा नहीं है, ठीक, अब इस साल वो एक मशीन बेचा है जो वो 2019 में खरीदा था, तो चलिए बताते हैं वर्किंग में इसको सॉल्व कैसे करेंगे और डिप्रिसिएशन निकालने का भी बताते हैं कैसे निकलेगा। तो इसका 22 डिप्रिसिएशन भी निकाल ही लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेस डिप्रिसिएशन, अब इसमें कुछ महीना होने का तो है नहीं, 10% निकलेगा, तो बच्चों 10% कितना होगा, 820 रुपया, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 7585 -
820 रुपए। तो कितना है बच्चों, 6765। अब बच्चों जो मशीन जो बेचा है तो उसका ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है, तो अब हमें उसका भी डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा 2022 तक की कितना हो रहा है। अमाउंट कितना था 2019 में, तो बोला गया है कि 12,000 रुपया हुआ है ओरिजिनल, तो निकाल लेते हैं लेस डिप्रिसिएशन 1200। कितना आएगा बच्चों, 12,000 माइनस 1200 10800। फिर लिखेंगे 2020 लेस डिप्रिसिएशन कितना होगा, माइनस 1200 9600। फिर लिखेंगे डिप्रिसिएशन लेस कितना लिखेंगे, 1200 कितना होगा, 8400। फिर लिखेंगे 22 का लेस डिप्रिसिएशन। मगर बच्चों इसमें बेचा कब है, 30/6/2022, तो कितना होगा, 12,000 का 10% इंटू 30/6/2022 को बेचा है, मतलब 6/12 क्योंकि छठा महीने में तो बेच दिया। तो कैसे निकालेंगे, 12,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आएगा, 600 रुपया। तो बच्चों इधर कितना आएगा, माइनस 8,400 कर लेते हैं तो आया 7,800। तो बच्चों अभी मशीन को कितना रुपये में बेचा है, 10,000 में बेचा। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, हम लोग का प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल, क्योंकि बच्चों मशीन बेचा है 10,000 का और हम लोग का कॉस्ट आ रहा है 7,800, तो बच्चों प्रॉफिट ही ना है। कितना का प्रॉफिट हुआ है बच्चों, इसमें समझे, 10,000 माइनस 7,800, 2200 रुपये का बच्चों प्रॉफिट हुआ है। बच्चों पहला मशीन का डिप्रिसिएशन तो फिर इसमें बदल जाएगा, क्योंकि 12,000 रुपया उसमें बोला है कि ओरिजिनल कॉस्ट है 2022 में, और मशीन था 2019 में 80,000 रुपये का। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट मशीन लिखेंगे, ठीक है, उसमें से क्या करना होगा कि 80,000 माइनस 12,000, तो बच्चों कितना आएगा, 68,000। इसका 10% डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो कितना होगा, 6,800। और बच्चों दूसरा मशीन का डिप्रिसिएशन 1400 रुपया ही होगा, और तीसरा मशीन का भी डिप्रिसिएशन 820 ही होगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो मशीन ना बिका है ना उसका कोई ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ है। बच्चों डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, 31/12/2022 का क्या लिखेंगे, बाई डिप्रिसिएशन। तो बच्चों अमाउंट कितना कितना होगा, 6,800 प्लस 820 प्लस 1400, तो बच्चों कितना आएगा, 6,800 प्लस 820 प्लस 1400 9020 आएगा। अब बच्चों मशीन को बेचा भी है तो बेचना तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों, 30 तारीख को छठा महीना में बेचा है 2022 का, तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक, और क्या लिखेंगे, सेल। बच्चों कितना है बिका है, 10,000 में बिका है। अब बच्चों प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट तो इधर आता है, तो क्या लिखेंगे, 30/6/22 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ कितना आएगा, 2,200। अब बच्चों टोटल निकाल लेते हैं और फिर बताते हैं कि क्या होगा बैलेंस सीडी और क्या होगा बैलेंस बीडी। तो बच्चों बैलेंस सीडी लिख देते हैं, बाई बैलेंस सीडी कितना होगा, 75485 प्लस 2200, 7765 से माइनस 9020 माइनस 10,000, बच्चों कितना होगा, 58665। अब बच्चों टोटल कितना होगा, टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं, 75485 प्लस 2200 कितना है, 77685। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1/1/2023 टू बैलेंस बीडी क्या होगा, 58665। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सम्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में, जिसमें आपको समझाएंगे एक नया क्वेश्चन बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से।